तो झारखंड में जैन तीर्थ स्थल श्री समेद शिखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने के फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यही हाल रांची में भी रहा। समाज का मानना है कि इससे समेद शिखर को नुकसान होगा, इसके साथ ही जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। वह इस मामले में सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जैन समाज की मांगे जायज है, उन्हें किसी तरह के ठोस निर्णय पर पहुंचने से पहले सरकार को तमाम चीजों पर गंभीरता से समझना होगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा समय में गंभीरता से इस पूरे विषय को देख रही है, सोच रही है और समझ रही है। उसे लेकर राज्य सरकार की क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई विवाद है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सारे पूरे देश के जैन धर्मावलंबियों को के मेरी उपस्थिति में मेरे समक्ष एक प्रतिनिधिमंडल हमारे माननीय मुख्यमंत्री से जिस समय हमारा शीतकालीन सत्र चल रहा था उस समय जैन धर्म के प्रतिनिधिमंडल ने उन माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से आश्वस्त किया था प्रतिनिधिमंडल को कि आप बेफिक्र होकर आप जाए किसी भी धर्म के साथ किसी भी धर्म आस्था के साथ इस राज्य में कोई खिलवाड़ कभी नहीं होगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है जिससे जैन धर्मावलंबियों का जो तीर्थस्थल है जो पारसनाथ वहाँ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ करने की